नमस्कार दोस्तों दोस्तों इस बार बहुत बड़ी खबर के निकल के आ रही है यहाँ पे बिहार सरकार शिक्षक भर्ती के लिए। आज आपको 22 अप्रैल है, 22 अप्रैल 2020, और यहाँ पे जॉब के बारे में निकल के एक नोटिफिकेशन आ रही है। यहाँ पे बिहार में आपको उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए वैकेंसी है, जो कि टीचर के लिए और कंप्यूटर, यहाँ पे माध्यमिक शिक्षक और कंप्यूटर शिक्षक के लिए यहाँ पे भर्ती निकाली जाएगी, और ये बहुत ज़्यादा संख्या में वैकेंसी निकाली जाएगी। 33,916 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, माध्यमिक शिक्षक होंगे, कंप्यूटर शिक्षक होंगे, और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए वैकेंसी निकाली जाएगी। कब तक ये वैकेंसी निकाली जा सकती है, इसके बारे में पूरा डिटेल से देखेंगे हम लोग कि क्या निर्णय लिया गया है इस बार, कि कब से वैकेंसी निकाल दी जाएगी, या क्या क्या पूरा न्यूज़ है हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे आज ही के एक न्यूज़पेपर में, यानी कि देखिए यहाँ पे एक न्यूज़पेपर है, जैसे प्रभात खबर है, प्रभात खबर में आज डाला गया है इसको कि उच्च माध्यमिक विद्यालय में होगी 33,916 शिक्षकों की नियुक्ति। और यहाँ पे कैबिनेट ने 10 निर्णय 10 एजेंडों पर मुहर लगाई है कि इस साल 10 एजेंडे कौन कौन से हैं जो कि पूरा किया जाएगा। उसमें पहला यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे संवाददाता पटना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को राज्य कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 10 एजेंडों पर मुहर लगाए गए। कैबिनेट ने राज्य के माध्यमिक विद्यालय विभिन्न पंचायतों में स्थापित किए गए उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों के 33,916 पद सृजित किए गए हैं, सृजित पर सहमति बनाई गई है। और इसमें माध्यमिक शिक्षक के यहाँ पे 32,916 पद हैं, कंप्यूटर के जो शिक्षक होंगे उनका यहाँ पे 1,000 पद शामिल किया गया है इसमें। और इसकी दी गई है कि अब इन पदों पे शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी। और सारे जो 10 एजेंडों में से 9 एजेंडे दिए गए हैं, उनमें कितना कितना पैसा खर्चा होगा, ये सारे यहाँ पे न्यूज़ दिए गए हैं। हम लोग बात करेंगे टीचर की। तो यहाँ पे देखिए, अभी लॉकडाउन की वजह से इस वैकेंसी का अभी फिलहाल फॉर्म नहीं भरा जाएगा, जब तक लॉकडाउन न टूट जाए। अभी तो आप देख सकते हैं 3 मई तक ये लॉकडाउन का निर्देश दिया गया है, आगे भी बढ़ सकता है। जब तक लॉकडाउन नहीं टूटता है तब तक फॉर्म नहीं भरा जाएगा। जैसे लॉकडाउन टूटेगा वैसे ही फॉर्म आपका आ जाएगा, फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा। उस समय भी आपको बता दिया जाएगा सारी चीज़ें कि कब से ये फॉर्म भरा जाएगा, क्या इसमें क्वालिफिकेशन होगी आपके उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए, जिसमें आपको माध्यमिक और कंप्यूटर के जो शिक्षक होंगे उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, ये सब सारी चीज़ें बता दी जाएगी। कैसे फॉर्म भरेंगे, ये सब सारी जो प्रोसेस होगी, सिलेक्शन प्रोसेस हो गया, आपका सिलेबस क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें जो भी इसमें आपको इसकी नियुक्ति संबंधी जो भी प्रक्रियाएं होंगी, वो सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी।